अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं अपनी नई वीडियो के साथ, जिसमें हम चैप्टर 4 और उसकी एक्सरसाइज 4.3 करेंगे तो बहुत मुख्तसर ही, लेकिन ये है कि इससे आपको एमसीक्यूज़ में हेल्प हो जाएगी। ओके, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 2x² - 3yz, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्सरसाइज में। तो हमारे पास ये इक्वेशंस दी गई हैं हमें, और जिनकी वैल्यूज़ हमें उनके अंदर पुट करनी होगी, तो हम इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं अपना क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करती हूँ, 2, और एक्स की जगह मैं पुट करूँगी 2, वाई की जगह पुट करूँगी -1, एंड जेड की जगह पुट करूँगी 3। टू, फोर, थ्री, माइनस का 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, और माइनस की साइन ऐसे ही आ गई। 4 2 8 हो गया मेरे पास, माइनस माइनस प्लस हो गया मेरे पास, 3 3 9 हो गया। 9 में मैं अगर 8 प्लस करती हूँ तो ये हो जाएगा 17, और ये मेरा आंसर। ठीक, इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 4, मैंने 2 और 3 को जो है स्किप कर दिया, वो इस वजह से, वो भी बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ये मेरे पास अपॉन में क्वेश्चन है, और इसकी वैल्यू भी हमें जो है वो अपॉन में दी हुई है, तो ये हमें बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो मैंने सोचा इसको सॉल्व कर लिया जाए। ओके, तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ए की जगह मैंने 4 को पुट कर दिया, जो कि उसकी वैल्यू गिवन थी हमें, सी की जगह 1/3। ओके, और 3 का जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 10, प्लस का 3 3 9। 2 और 4 का मैं क्यूब निकालती हूँ तो मेरे पास आता है 64, -1/9। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। माइनस का 1, 10 में से 9 को मैंने माइनस कर दिया तो 1 बचा। माइनस की साइन जो है वो बड़े नंबर के साथ है, इसलिए माइनस का 1 आया मेरे पास। ठीक है, 64 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है 128, -1/9। ओके, इस वाली चीज़ को जो है हमें वो एलसीएम की तरह सॉल्व करना होगा रफ फाइट पर। ओके, 128 - 1/9। ठीक, अगर मैं इसका एलसीएम लेती हूँ मेरे पास 9 आएगा, और मैं जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 सपोज करते हैं, 1 के टेबल में 9 किस से आएगा, 9 से आएगा, और 128 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा 1152। माइनस 9 के टेबल में 9 1 से आता है, तो 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 1 से, 1 1 ज़ा 1। 1152 में से अगर मैं 1 को माइनस कर दूँ, 1151/9 बचेगा मेरे पास। ठीक है, तो ये आया मेरे पास -1/1151/9। ओके, अब हमारे पास मैथमेटिक्स में एक रूल होता है कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं 1151/9, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा और 1151 नीचे आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, 1 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 9 अपॉन में 1151 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें।